नमस्कार दोस्तों, मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल पर मेरे सभी पशुपालक भाइयों का एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत वेलकम है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपको चैनल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मल्टी स्टार लिक्विड, यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स लिक्विड जिसके अंदर हैं, और वेट मैनकाइंड कंपनी का जो कि आता है, और 500 ml और 1 लीटर में जो आता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जो भाई डेयरी फार्मिंग, जो गाय भैंस जो भाई रखते हैं, तो वो इसको अपने पशुओं को किस प्रकार से पिला सकते हैं, और क्या क्या फ़ायदे जो हमें जो है अपने पशुओं को पिलाने से इसमें होते हैं, और किस तरह से जो है ये पशुओं को जो है डेवलपमेंट करने में पशुओं का जो है हेल्प करता है। और उससे पहले मैं मेरे सभी पशुपालक भाइयों से वही पहले की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जो भाई मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि मन्नत डेयरी फार्मिंग जब भी कोई डेयरी फार्मिंग से संबंधित नई जानकारी, नई वीडियो अपलोड करे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप डेयरी फार्मिंग में उसे देखकर जो है फ़ायदा उठा सकें। तो आइए अब बात करते हैं मल्टी स्टार लिक्विड के बारे में। पहले तो ये जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो इसके अंदर जो कंपोजिशन दी हुई है वो आप देख सकते हैं, जो कि 10 ml में उसकी इतनी डोज आपके पशु के जो है अंदर जाएगी। जैसे विटामिन ए दिया हुआ है 1,20,000 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन डी दिया हुआ 60,000 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन ई 15 mg, विटामिन एच साथ में बायोटिन 1.5 mg, विटामिन सी 10 mg, जिंक 180 mg, कोबाल्ट 1 ग्राम और सिलेनियम 1 mg, ये सभी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। तो अब जान लेते हैं आपको जो है अपने पशुओं को इसकी कितनी डोज दी हुई है, बाकी इस पर लिखा भी हुआ है। जो गाय और बड़ी भैंस, बड़ी गाय हैं, उनको आप 20 ml डेली दे सकते हैं, यानी कि आप 10 ml सवेरे और 10 ml शाम को आप दे सकते हैं। रोटी पर लगा कर भी आप दे सकते हैं, चून की जो है छोटी सी लोई बना कर भी आप दे सकते हैं, या सूखे चून में भी भिगो कर आप खिला सकते हैं। और जो छोटे काफ और बछड़े बछड़ियाँ होते हैं उनको 5 ml आप दे सकते हैं। अगर कोई भाई सिप और गोट्स वगैरह रखता हो तो उनकी भी बाकायदा पूरी डोज इस पर लिखी हुई है। अब जान लेते हैं आपके पशु को इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। अगर आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो उसमें ये पशु के गर्भ ठहरने में हेल्प करेगा। अगर पशु कमज़ोर है तो पशु के अंदर जो मांसपेशियों का विकास करेगा, उसकी स्किन में एक अच्छी शाइनिंग लाएगा। और अगर अपने पशुओं को ये हम देते हैं तो इसमें जो जिंक है वो पशुओं के मानसिक तनाव को दूर करता है, पशुओं की हड्डियों का अच्छे तरीके से विकास करता है। और जो है अगर हम अपने पशुओं को या काप को भी देते हैं तो जो है उसके ये जो है डाइजेस्टन सिस्टम को अच्छे तरीके से रखता है, उसकी जो है भूख बढ़ाने में भी हेल्प करता है, और उसकी जो है इम्यूनिटी पावर को ही बढ़ाता है, जिससे पशु में बीमारियों की दर जो है रेशियो जो है वो कम हो जाता है। और अगर हम गाबिन गाय या भैंस को देते हैं तो उसके थनों का अच्छे से विकास करता है, उसकी अडर का अच्छे तरीके से विकास करता है, और साथ में जो है पशुओं की ग्रोथ करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये थे जो है मल्टी स्टार मैनकाइंड कंपनी का आता है, उसके बेनिफिट की हमें पशुओं को देने के क्या क्या बेनिफिट इसको होते हैं। तो पशुपालक भाइयों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने और भी युवा पशुपालक भाइयों के साथ शेयर करें। और जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आपको समय समय पर डेयरी फार्मिंग से संबंधित जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहें।